नमस्कार। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा जी की आराधना की जाती है। यह दुर्गा शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। स्वयं के मानस पर माँ देवी कुष्मांडा के रूप का ध्यान करें। माँ देवी कुष्मांडा के आठ भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाने की प्रेरणा देती है। माँ कुष्मांडा की मधुर मुस्कान हमारे जीवन की शक्ति का संवर्धन करती है। हे माता कुष्मांडा, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब आप ही ने ब्रह्मांड की रचना की। आप ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। आपका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य मंडल के भीतर के लोक में जहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल माँ कुष्मांडा आप ही में है। हे माता, आपके कांति और प्रभा अद्भुत है, सूर्य के समान दैदीप्यमान है। आपके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज आप ही की छाया है। माँ कुष्मांडा सात भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा धारण करती है। माता की आठवीं भुजा में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। शेर पर सवार माता कुष्मांडा के हृदय में रजता भी है। मन को अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। और समग्र सृष्टि की सुंदरता को, हरियाली को, जीवंतता को हृदय के भीतर अनुभव करें। एक पूर्णता का
एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हृदय के भीतर घटित होने लगेगा। अनाहत का स्थान ऊर्जा से व्याप्त होने लगेगा, जैसे समग्र सृष्टि हमारे भीतर खिल रही है। स्वयं के अनाहत चक्र पर अवधान बनाए रखें। इस जीवंत ऊर्जा को प्रविष्ट होने दें। कुछ समय आंतरिक जीवंत ऊर्जा की गति का अनुभव करें। एक पूर्णता का अनुभव करें। अपने हृदय में समग्र सृष्टि का अनुभव करें। मन में ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः उच्चारण करते रहें। स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अनाहत और शरीर की ऊर्जा को शमन होने दे। कुछ विश्राम करें। और फिर अपनी आंखों को खोल दीजिए।